आर्यन राज एक्स सनातनी भाई, कैसे हैं भाई आप? नमस्कार सर। आदाब जी, ठीक ठाक हैं जी भाई? जी, जी, मैं आपका चैनल बहुत दिन से देखता हूँ, तो मेरे को ठीक बहुत है। सीखने को मिला। और अगर आप कुछ टेस्ट वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कुछ मन को कुछ सुनना नहीं है। जी नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो हम आप पे मैं यकीन कट्टर करते हैं। सनातनी था, अच्छा लेकिन अच्छा अभी छोड़ दिया हूँ। लेकिन अभी और कोई धर्म धर्म को नहीं मानता हूँ। ठीक है, यानी अभी अभी जी न्यूट्रल हैं, अभी खोज कर रहे हैं। यस यस, खोज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कितनी एज है आपकी अगर बताना चाहें तो? मेरी एज हो गई अभी 28। 28। और सनातन धर्म कब आपने त्यागा, कब छोड़ा? लगभग 1 साल हो गया। 2 साल पहले एक मैं बहुत साल कट्टर सनातनी था, मतलब अच्छा। मारने काटने के लिए तैयार वैसा। ओहो ओहो हो, यस यस। और जो आप बहुत कट्टर थे मारने काटने के लिए, तो आपका ज्यादा फोकस या ज्यादा गुस्सा या क्रोध किन पर था? आप ही लोगों पे था वैसे तो। ओ, तो ये एकदम चेंज कैसे आई? अगर इतना कट्टर था कि मार काट की बात, मगर इतनी फिर चेंज कैसे आई? चेंज ऐसे आई कि मतलब मैं पहले थोड़ा इतना वैसा नहीं था, फिर मतलब एकदम ये सब देख के, चैनल्स देख के एकदम फैनेटिक हो गया मैं। और मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे, उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया मेरा, और एकदम मैं अकेला पड़ गया एकदम। मतलब फिर मैं सोचा ये सब करके मैं क्या कर, मतलब उसका मतलब ये सब करके क्या मिलने वाला है मुझे। मतलब जो मेरे दोस्त है वो भी छोड़ दिए, और ये सब दूसरों को गाली बकना, दूसरों से नफरत करना, इससे क्या मिल क्या रहा है मुझे। फिर मैं मतलब पूजा पाठ भी करता था, और मतलब जितना मतलब बहुत तो ज्ञान नहीं है वेदों का मुझे, लेकिन जितना एक हिंदू को होना चाहिए लगभग लगभग उतना है। और मैं अपने आप को सुपीरियर भी समझता था, क्योंकि मैं आर्य समाजी भी रहा हूँ थोड़े दिन, तो ओ मुझे लगता था अच्छा। कि मैं हिंदुओं में भी सबसे सुपीरियर हूँ और अपर कास्ट में आता हूँ मैं। ठीक, मेरी जो मेरी कास्ट है वो अपर कास्ट है, तो उससे भी मैं सुपीरियर हूँ। तो मैं ह्यूमन में भी सबसे ज़्यादा सुपीरियर अपने आप को समझता था। तो धीरे धीरे कुछ एक आधे चैनल्स पे ऐसे ही लिंक मिला, सुना पढ़ा, तो फिर मुझे लगा मैं तो बिना मतलब में ही अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर थोड़ा सोचा, पढ़ा लिखा, तो फिर बिल्कुल ये सब छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब अभी ना मैं आर्य समाज की किसी मीटिंग में जाता हूँ, ना आरएसएस की किसी मीटिंग में बैठता हूँ, या जितने भी संघ संचालक ये कार्य संचालक जो मेरे और पुराने दोस्त थे, सबसे अभी बाय बाय टाटा कर दिया। अभी अपना सिर्फ अपना जॉब और काम करता हूँ, और एक्सप्लोर कर रहा यानी हूँ मतलब क्रोध सारे में, धर्म को, थोड़ा बहुत यानी जान रहा हूँ कि मुझे क्या जो बेटर क्या है। सॉरी सॉरी मुझे जो जी चीज सर, समझ आई है वो ये समझ आई है कि क्रोध ने और हिंसा ने आपको तन्हा कर दिया था, अकेला कर दिया था। तो आपको लगा कि यार यस यस, इसे मैं मैं करके मतलब मैं बिना ही हासिल क्या कर मतलब रहा है, हूं? मतलब किसी मुस्लिम को देख के ही मैं भड़क जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब ट्रेन में खड़ा है तो उसको धक्का ही दे दूं मैं। मैं सोचा था ओ कि इतना कैसे, मैं कितना खराब कैसे हो गया मैं। मतलब मैं बचपन से तो ऐसा नहीं रहा पहले, लेकिन इतना कौन, किसने मुझे ये सब सिखा दिया। और मेरी फैमिली इतनी कट्टर टाइप नहीं थी, मेरे दोस्त जिन जिनकी संगत में मैं पड़ गया, और उन्होंने मेरे इतना जहर भर दिया, ये करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, तुम्हारी बहनों को उठा लेके जाते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, और तुमको मार डालेंगे, और जैसे कश्मीर में मार दिया। मैं सोचा कोई जीता तो नहीं, मुझे कोई मारता हुआ सारा, लेकिन ये क्या करते रहते, ये सब बताते रहते, उल्टा हम ही मार रहे हैं इनको। ये तो डिफेंडिंग पोजिशन में, अटैकिंग में तो हम आ रहे हैं, और बताया उल्टा जा रहे हैं उनको। तो हो जाता है कभी कभी, जबकि मैं ऐसा कोई नहीं, जाहिल बंदा भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। बस आगे ना बताइएगा यस जी। यस, बस इतना ही। और ये आर्यन मेरा असली नाम नहीं है, मैं अपना नाम भी गुड डिस्क्लोज नहीं कर सकता। गुड गुड। अच्छा, यस यस, यानी मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि इतना क्रोध और इतना जो है वो अहंकार था कि मुसलमान को देख रहे हैं ट्रेन में आते जाते। आज भी मुझे एक भाई ने वीडियो भेजी कि हिंदू जो है वो एक जो ट्रेन की बर्थ पर बैठा हुआ है और सीट है सामने, एक मुस्लिम लड़की बैठी हुई है हिजाब लेके, तो ऐसे छुपके से उसकी वीडियो तस्वीरें निकाल रहे हैं, जूम कर रहा है।
बैठा हुआ, तो ये किसी तो ये आम मुसलमान ने बात है, ये तो नॉर्मल चीज है। अभी अभी जो माहौल यहाँ पे है हमारे हमारी कंट्री इंडिया में, तो मुस्लिमों का तो अभी बहुत बुरा हाल है। मतलब अब ऐसा मुझे लग रहा है, पहले तो लग रहा था कि मतलब हमारा ही बुरा हाल है अभी, लेकिन जब रियल मतलब न्यूट्रल होके देख रहा हूँ तो लग रहा है कि यार ये तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन लगभग लगभग बना दिया गया है। और अभी भी मतलब वो लोग तो अभी भी इतना कुछ प्रोटेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, नहीं तो काफी मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मगर ये है कि आपको ये, आप चूंकि अंदर बैठे हो, आपने सुना है, आपको लग रहा है कि किसी क्षण भी ये हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इतना ब्रेन वॉश अगर आपको कर दिया हुआ, तो ऑब्वियसली कितनी युवा पीढ़ी हमारी होगी जिनको यस इन्होंने ब्रेन यस वॉश कर दिया हुआ यस जितना युवा है उसको इतना जहर भर गया उसके दिमाग में, इवन अगर उनको ये पता चल जाए कि मैं ऐसा सोचता हूँ वो मेरे को भी मार डालेंगे, वो इतना ओ। उनके अंदर जहर है। यस यस नो डाउट, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दूँ तो मेरे ही दोस्त मेरा ही काम गेम कर देंगे, ऐसा है कि ये तो हो। गद्दार निकल गया और ये और डाल मुसलमानों पे देंगे, दिल करे ये डाल मुसलमानों पे दें कि आर्यन को हाँ मुसलमानों ने ये भी मार हो दिया। सकता है, और उसकी वजह से कहीं दंगा भी भड़क जाएगा कि मुसलमानों ने हाँ, एक कट्टर सनातनी को मार दिया। मार दिया। आपके कुछ मैसेजेस, कुछ तस्वीरें निकालेंगे जिसमें आप आरएसएस की, आर्य समाज की मीटिंग में थे, तो नहीं दिखाएंगे, मेरी तो देखो ये हजारों में हमारे साथ जाएगी बैठ। हाँ हजारों। यार, देखो कितना खतरनाक खेल है ये, डर्टी पॉलिटिक्स। तो आप इसमें क्या, आर्यन भाई, आप फिर सनातनियों को क्या पैगाम, क्योंकि आप उस कट्टरता से निकले हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज जो आप दे सकते हैं वो बात आपकी तरफ से होगी। आप सनातनी यूथ को क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया से, कि वो मैं नफरत बस को खत्म उनको करने के यही लिए या सोशल अमन मीडिया के के लिए? माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि नफरत तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, एक दिन जो आग तुम दूसरी जगह लगाओगे एक दिन पलट के तुम्हारे घर तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी वो। तो जब कुछ ऐसा होता है या कुछ होता है, तो अभी यहाँ हमारे हाल ही में मैं एक्चुअली इधर जॉब जा करता हूँ, हाँ, वो नाम ना महाराष्ट्र लीजिएगा का प्लीज। इलाका है, तो वहाँ पे भी ट्रेन में एक हादसा हो गया। आरपीएफ का एक जवान था, उसने ट्रेन में तीन मुस्लिम युवकों को ढूंढ ढूंढ के गोली मार दी, और एक उसमें से एक एक मतलब एसटी कास्ट का बंदा था, मतलब हिंदू था सनातनी, उसको भी मारा जब उसने रोकने गया, और जबकि वो उसका सुपीरियर ऑफिसर था, मतलब वो इंस्पेक्टर था हाँ, और वो उसको चेतन मारा, सिंह उसके वाला, वो कांस्टेबल था। चेतन सिंह वाला कह रहे हैं आप? यस यस चेतन सिंह। तो ये और ऐसी बहुत घटनाएं होती, मतलब ये तो रिपोर्ट हो गई तो आपको पता चल गया, ठीक है बाहर पता चल गया, सब जगह हाईलाइट हो गई, ऐसी बहुत घटनाएं असल हो में रही उसकी हैं। वीडियो बन गई ना, उसकी वीडियो बन के ट्विटर पे आ वो गई, इसलिए वीडियो पता बन चल गई नहीं, गया। वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोला कि मेरा, नहीं तो को किसकी हिम्मत थी कि कोई वीडियो बनाता उसकी, वो खुद हाँ, बोला कि मेरा वीडियो बनाओ और इसको वायरल करो। ओ, तो ये कैसा पागल था जो कह रहा है वीडियो बनाओ, उसको इतना भी पता था गोली मारूंगा, पूरा भाषण दूंगा। अगर देखो फिनेटिक जो होता है तो वो तुरंत किसी पे भी गोली चला सकता था वो, उसने एक बंदे को मारा है एक कोच में, दूसरे बंदे को दूसरे कोच में, और अगले बंदे को दो कोच छोड़ के चौथे कोच में मारा जाके, मतलब प्रॉपर चौथे कोच में पहचान के मारा है। कि हाँ हाँ, और एक और चीज भी बीच में है कि न्यूज आई है, इंडियन एक्सप्रेस की मैंने न्यूज दिखाई थी, जिसमें एक महिला, जब वो पूछताछ शुरू हुई ना, इंटरोगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन, तो पता चला ओके कि एक महिला के पास भी रुका था, उसका हिजाब वाली महिला थी, उसको जाके गन पॉइंट के ऊपर कहता है जय श्री राम का नारा मार। यस 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 और मैं उसी विभाग में भी काम करता हूँ जिस विभाग में वो है सब बंदा, मतलब हिस्ट्री वही है हमारा। मुझे खुशी भी है आपके पलट आने की, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई, एज अभी आपकी उस हवाले से भी छोटी है कि जिस एज में जल्दी आपको समझ आ गई, तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है, उसने आपको गलत चीजों से या नुकसान उठाने से या मंद बुद्धि नहीं बनाया, तो आपको समझ आ गई चीजों की और आप पीछे हट गई यूज होने से। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब यूथ यूज होती है राजनीति के द्वारा, या धर्म के तौर पर, या फलाने तौर पर, फलां के नाम पर, जात पात के नाम पर, रंग वो नस्ल के बंदा नाम जो पर, चेतन यूज नहीं सिंह होनी था चाहिए। वो उसका मेरी तरह ही ब्रेन वॉश हो गया, और उसने तो गोली चला दी लोगों को मार दिया, अभी उसका तो पूरा वो तो जाएगा जेल में, ठीक है हाँ, गया ना, चाहे वो खत्म हो गया सनातनी था। रहे चाहे नॉन सनातनी रहे, अभी वो हाईलाइट में आया जेल में तो जाएगा वो, और जो भी कार्रवाई सीआरपीसी के तहत होगी उसके ऊपर होना ही है, उसका फैमिली जो भी है जो भी है। लेकिन वो इतना ब्रेन वॉश हुआ मेरी तरह, मान लो मैं ये काम कर देता किसी दिन तो मेरी फैमिली क्या क्या होता, आई एम द ओनली सन,
कोई मदद, है ना। ओए और मैं ही जॉब करता हूँ, अगर मैं ये काम कर देता और किसी दिन पकड़ा जाता तो कोई बचाने नहीं आता मुझे, जो आज ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। और हजारों वीडियो है ऐसे जिन्होंने ये सब काम किए, आज वो पड़े हैं बेड पे, और या कोई उनको पूछने नहीं जाता। मैंने वो वीडियो भी देखे इन्ना हैं, जब मेरा दिमाग ठीक हुआ तो मैंने ऐसे सर्च की कि जो लोग लड़े मरे वो आज कहाँ है, और जिन्होंने उसका फायदा उठाया वो आज कहाँ है, वो मिनिस्टर बन के गुड बैठे गुड हैं, और जो एक्चुअल में लड़ रहे थे वो भीख मांग रहे हैं अभी रोड पे, मांग और रहे हैं, भीख भी वेरी नहीं गुड, मांग रहे, उनको भीख भी जबरदस्त नहीं दे रहा पॉइंट, कोई। जबरदस्त पॉइंट। यानी उनका भविष्य देख के आपको पता चला जाएगा कि फायदा किसको हुआ और घाटा किसको हुआ, नुकसान यस, किसको हुआ। वही मैं सोच रहा था कि मैं जबरदस्त। ये सब करके मेरे को अंत में क्या मिलेगा, एंड कहाँ है मेरा, ये है। जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह ने मैं आपको छोड़ बचा, दिया अभी, एकदम आपको न्यूट्रल हूँ बचा अभी लिया मैं। अल्हम्दुलिल्ला। जी, अभी किसी भी धर्म को अभी तो नहीं मानता हूँ फिलहाल, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में जो मुझे ठीक लगेगा उसकी तरफ जाऊंगा मैं। जरूर जरूर स्टडी करें। आपने कहा आप अकेले सिंगल चिल्ड्रन चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, उनका ख्याल करें, यस खिदमत करें, थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए दें, पैसे कमाएं, शादी अगर नहीं हुई है शादी करें, थोड़ा अपने सामाजिक जो संबंध है उनको स्ट्रांग करें। मुसलमान है उसकी जी सपोर्ट करें, हिंदू है वो मुश्किल में उसकी सपोर्ट करें, कोई नॉन हिंदू है नॉन मुस्लिम है उसको ही है उसकी सपोर्ट करें, इंडिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक बंदा चेंज नहीं ला जी सकता, मगर एक बंदा स्टार्ट तो कर सकता है ना, द फर्स्ट स्टेप, जी उसके नहीं साथ साथ अभी ढूंढें फिलहाल मतलब सत्य को। मैं अगर किसी का सपोर्ट नहीं करता तो इतना तो मेरे अंदर है कि कम से कम मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, ना ही किसी का गलत सोचता हूँ भी। जबरदस्त जी जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुसलमान होना या आप इस्लाम को पढ़ें या क्या देखें, ये तो बाद की बात, सबसे पहले जो चीज इंसान के अंदर चेंज होती है वो उसका अच्छा मनुष्य या बुरा मनुष्य होना है, वहां से शुरू होता है। अगर वो समाज के लिए न्याय का काम कर रहा है, या जो है ना वो क्या उसको कहना चाहिए, दया का रखता है जज्बा, तो फिर वो बेहतर ही बनेगा इंशाल्लाह। जी, तो भाई इस चीज अभी को मतलब समझ फर्स्ट रखा। स्टेप तो ले लिया मैंने, कम से कम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा इंसान बनूंगा तो ही फ्यूचर में शायद एक अच्छा बिलीवर भी बन पाऊँ, जिस जिसकी भी तरफ मैं जाऊँ, मुझे नहीं पता बेशक अभी किधर जाना है। बेशक बेशक, आप ऐसे कीजिएगा, आप मुझसे रابطہ करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर रابطہ कीजिएगा, मैं जो आपसे बात हुई है मैं चाहता हूं मैं आपसे और बात करूं, तो इनशाला अगर आपकी इसी नाम से आईडी है या आप चाहें, इट्स अप टू यू टोटली, तो मुझे जरूर मौका दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा बात करने का, क्योंकि आप एक ऐसी जगह से वापस पलटे हैं जहां पर आप किसी मासूम इंसान की हो सकता है हत्या कर सकते थे या उसको हानि पहुंचा सकते थे, ये कुछ भी गलत कर सकते थे, तो आप अगर इससे पलट आए हैं ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, जी जी ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टफ चैलेंज आपने लिया है, इसके लिए स्ट्रांग विल चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी जी अंधा हो जाता है ना फिर उसके वो दिखाया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि अगर इनको मैं ही कुछ बताने जाऊं तो मेरे को ही अटैक कर देंगे मेरे पे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, या मेरा कुछ भी सोशल बाइकआउट कर देंगे, या फिर परेशान करेंगे, या कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैं अपना आईडी वगैरह डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, दूसरा ये मेरा नाम नहीं है, आर्यन। जी नहीं, बिल्कुल ना करें ना करें, देखें जान है तो जहान है, ठीक है ना, तो जी जी सबसे पहले तो आप सेफ होंगे तभी आप दूसरे को, और आप माशाल्लाह एक ऐसा काम भी कर रहे हैं तो आपको तो ये टेक्निकल चीजों का पता होना चाहिए ना, सिक्योरिटी क्या है या जी सर, जी सेल्फ डिफेंस क्या है, या आप पहले खुद अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, तो SOPs को जी सर, आप फॉलो करें, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या है, तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हीरो बनने की जी जरूरत ही सर, नहीं है, ना नेगेटिवली ना इस तरह पॉजिटिवली कि फिर नेगेटिवली हो जाए, यानी यानी जिस सच का नुकसान ज्यादा हो रहा हो उसमें खामोश, झूठ की बात नहीं कर रहा जो झूठ बोलो, कम से कम खामोश ही हो जाना चाहिए, तो जान माल इज्जत आबरू इन चीजों का नुकसान हो रहा हो, तो मैंने जितने भी धर्म पढ़ सका हूं मैंने उनमें देखा है कि अगर किसी की जान का नुकसान है, किसी की इज्जत का सम्मान का नुकसान है, माल का माता पिता का किसी का नुकसान है, उसमें अगर वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहे तो झूठ धर्म इजाजत देता है, ठीक है, यानी धर्म पर भी, धर्म भी उसको पाप नहीं कहता, क्योंकि एक मनुष्य की जान ज्यादा जरूरी है। तो खैर हरियन भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैंने मैंने स्पेशली चाहा मैं आपसे बात करूं, और मैंने जब आपका नाम देखा तो मुझे यह था कि चलो मैं आपसे सुनता हूँ, आपकी साइड का क्या आपके पास है तो वो सुनना जरूरी था, बहुत शुक्रिया।
और आप काफी देर से वेट कर भी रहे थे, मैं देख रहा था। बहुत शुक्रिया सर, जी सर, थैंक जी यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सम टाइम। नो प्रॉब्लम सर, प्लेजर प्लेजर ऑल।